देखो हमारी किस्मत में देखो ये मिला और कुछ को हमारे भाई को मिला नहीं, कुछ नहीं मिला, कोई मांग का नहीं लेना। तो फाइनली दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं और यहाँ पर जो है देखो कितनी अच्छी खातिरदारी वगैरह हो रही है। देखो एक रियाल के दो, जो कीमे वाला समोसा है एक रियाल का एक है। और ये यहाँ की ना सबसे बड़ी मस्जिद है हरम शरीफ के बाद। क्या मस्जिद है यार, वाकई में यार बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी मस्जिद है यार ये तो। कैसे हो दोस्तों, एक और ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं हूँ मक्का में, आज मेरा मक्का में है यानी कल को मेरा लास्ट दिन होगा। तो आज जो हम जा रहे हैं यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद यानी हरम शरीफ के बाद जो मस्जिद है ना यहाँ पर अल राजी, उस मस्जिद में जा रहे हैं, वहीं पर इफ्तार करेंगे। और वो मस्जिद बहुत खास है, अंदर से बहुत ब्यूटीफुल है, वो दिखाने वाला। तो यहाँ पर ना इफ्तार का मसला ये है, ये देखो ये पाकिस्तानी होटल, हमारे जस्ट होटल के सामने ही पाकिस्तानी होटल। तो यहाँ पर इफ्तार का सामान है, रेट पता। अस्सलाम भाई कैसे हैं आप, कैसे कैसे दे रखे हैं पकौड़े, कैसे दे रहे हैं हम? एक रियाल के दो। और ये जो कीमे वाला समोसा है एक रियाल का एक है, एक रियाल का एक समोसा जी सर। और इसमें क्या है? इसमें एक रियाल के दो पकौड़े आलू वाले हैं, आलू वाले। और ये बेगन के पकौड़े एक रियाल के दो हैं, मतलब फिर भी काफी सस्ता हाँ है बैगन की पकौड़ी। और ये चना है, ये चना एक पार्सल पाँच रियाल का है, पाँच रियाल का एक पार्सल। चलिए माशाल्लाह माशाल्लाह, और सब बढ़िया। आपको पता है जब हमने चार मीनार से लिया था ना तो बहुत सस्ता पड़ा था, यानी एक रियाल का ये एक समोसा दे रहे हैं कीमे का। और वहाँ हमने चार समोसे लिए थे और हमने चना लिया था और टोटल लिया था हमने चार रियाल। तो वहाँ सस्ता, लेकिन ये हरम के पास है ना इसलिए थोड़ा महंगा है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं, वहाँ से हमें जो है भाई रिसीव करें कार से, आपका भाई। तो यहाँ पर ना सऊदी अरब में आपको बहुत पुरानी कार मिलेगी, देखो ये पुरानी कार मिलेगी, ये मिलेगी आपको और सेम में ये मिलेगी। देखो मैंने जितनी भी टैक्सी देखी ना ज्यादातर बहुत पुरानी पुरानी मिलेगी आपको। देखो वैसे तो हर आदमी जब सऊदी अरब आता है ना उमरा करने के लिए तो उसका हाथ ठीक होता है, लेकिन फिर भी अगर आपका हाथ टाइट है ना तो थोड़ी आपको यहाँ महंगाई मिलेगी। जैसे मैंने आपको दिखाया था इफ्तार के समय पे, मतलब इफ्तार यहाँ पर आपको डबल से भी ज़्यादा महंगा मिलेगा। और थोड़ा सा आप यहाँ से हटके आगे से लोगे ना जहाँ पर टैक्सी स्टैंड है उससे आगे से, तो वहाँ आपको काफ़ी सस्ता मिलेगा। तो अभी कार जो वहीं आने वाली है टैक्सी स्टैंड पे और वहाँ से हम चलने वाले। देखो जैसे मैं कह रहा था यहाँ पर टैक्सी कितनी पुरानी पुरानी मिलेंगी आपको, सारी कार ज्यादातर पुरानी मिलती है यहाँ पर। तो भाई हम आ गए टैक्सी स्टैंड पर, ये यहाँ का बहुत बड़ा टैक्सी स्टैंड है और यहीं पे हमारा दोस्त आने वाला है और वो सामने मुझे कार दिखाई दे गई। तो फाइनली दोस्तों हमारी कार आ चुकी है, ये है हमारी एम्पाला। तो ये है हमारी एम्पाला, बैठो शाकिर भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, आपने तो पूरा हमें मक्का घुमा दिया। हाँ भाई, हाउ आर यू? माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? अब्दुल्लाह आफ्ताब। हाय हाय, अब्दुल्ला अल्ताफ भाई है, आफ्ताब भाई। तो भाई यहाँ पे ना स्ट्रीट पर जगह जगह पे जो है इफ्तार जो है बढ़ता रहता है, तो सबसे पहले हमें जाकर जो है इफ्तार लेना है और कोशिश रहेगी इफ्तार हम वहीं से ले जहाँ से कर लिया था। तो भाई यहाँ का जो सामने का व्यू है ना इतना अमेजिंग लगता है, और ये सामने जो है गारिश हो रहा है, और जब मैं यहाँ का व्यू देखता हूँ ना मुझे लगता है यहाँ का सबसे ऊंचा माउंटेन यही है। और सोचिए हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर कैसे पहुंचे होंगे, और इस्लाम के पहले खलीफा यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथ इस पहाड़ पर पहुंचे थे। आप प्ले लिस्ट खोलोगे ना सऊदी अरब की मेरी, तो वहां से ब्लॉग मिल जाएगा आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये है मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद अल राजी मस्जिद, देखिए पीछे। अभी हम जाएंगे बट उससे पहले हमें इफ्तार का सामान लेना कुछ थोड़ा, हालांकि यहाँ भी इफ्तार का सामान जो है बटता डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट हम जो है अभी आगे चल रहे हैं। तो भाई ये जो एरिया है ना ये है अजीजिया, जहाँ पर हाजी भाई रुकते हैं, और अभी यहीं पर जो है हम इफ्तार लेंगे जहाँ से हमने कल लिया था। तो ये है अल राजी बैंक यहाँ का, और सामने ये चार मीनार। तो भाई अभी हम बाहर जा रहे हैं, चलो इफ्तार वगैरह लेते हैं यहाँ से। तो भाई यहाँ पर कीमे के समोसे वगैरह और आलू के समोसे और यहाँ पर बहुत सारे आप पकौड़ी वगैरह ले सकते हो, बट हम फिलहाल कीमे के समोसे ले रहे हैं और चने ले रहे हैं। भाई छह कीमे के समोसे देना, ठीक है? छह कीमे के समोसे और एक एक चना दे देना। तो भाई इनके पास में चिकन लेग पीस है, ये जो है छह रियाल का एक पीस है ये वाला, और अभी हम चल रहे हैं बाहर। तो भाई हमने इफ्तार ले लिया, हमने क्या है दो चने के पैकेट लिए और आठ समोसे लिए 18 रियाल के, काफी अच्छा। और एक चीज क्या है कि हमें यह है इंडिया से कुछ भाई मिले, ये भाई इंडिया से हैं। सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब इंडिया में कहां से? रमजान कर, मैं बिहार से। माशाल्लाह। और आप? मैं रांची झारखंड से। तो भाई अभी हम चल रहे हैं, तो हमने इफ्तार तो ले लिया बट अभी हमें लिक्विड में कुछ ना कुछ लेना है, चलो चलते हैं। तो भाई फाइनली ये मस्जिद आ चुकी है, ये सामने मस्जिद देख रहे हैं ना अल राजी मस्जिद, ये हरम के बाद मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद और बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारी मस्जिद है। तो भाई पार्किंग में आ गए हम, और यहाँ पर हम मैट लेने रहे हैं क्योंकि मस्जिद में खुद अच्छी जगह है बैठने के लिए। तो अभी हम चल रहे हैं, इफ्तारी भाई ले रहे हैं। भाई क्या व्यू है यार, मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, सेम ऐसी है जैसे हरम शरीफ, यहाँ पर ऐसी लाइन लगी हुई है रोजेदारों की सेम इसी तरीके से। और ये यहाँ की ना सबसे बड़ी मस्जिद है हरम शरीफ के बाद, और बहुत ही प्यारी,
और यहाँ पर पार्किंग वगैरह भी देखो कितनी अच्छी है। तो अभी जो है हम वहीं चल रहे हैं बैठेंगे। बाकी यार मेंटेन कितने अच्छे तरीके से कर रखा है, ये काफी अच्छा है। ये देखो लोग बैठे हुए हैं, ये देखो कितने प्यारे तरीके से, ये देखो यहाँ की रौनक माशाल्लाह। ये सब बांटने वाले हैं और यहाँ पर देखो भीड़ देखो जिस तरीके से लोग बैठे हुए हैं ना यार, गजब यार। मतलब ये तो अनएक्सप्लोर रहती जगह, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो। ये देखो माशाल्लाह सब लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं सब लोग इस तरह। तो देखो यहाँ पर लोग पर्सनल बैठे हुए हैं और यहाँ पर जो है देखो कितनी अच्छी देखो खातिरदारी वगैरह हो रही है। देखो माशाल्लाह ये देखो बहुत ही शानदार तरीके से, मतलब बहुत ही उम्दा तरीके से। तो यहीं पर हम बैठने वाले, मतलब हरम शरीफ के बाद ये दूसरी जगह मुझे लगी बहुत ही अच्छी और यहीं पर हम बैठने वाले माशाल्लाह। तो भाई यहाँ भी ना सेम ऐसे हो रहा है जैसा परसों हो रहा था, पहले पाओ पहलाओ, ये खींचाताने वाला हिसाब देखो। यहाँ पर कुछ लोगों के पास है भी नहीं और कुछ लोग जैसे देखे जैसे वही जैसे परसों मांग कर ले रहे थे ना, अब हमारी तो हिम्मत पड़ती नहीं भाई। देखो हमारी किस्मत में देखो हमें ये मिला है और कुछ को हमारे भाई को मिला भी नहीं मिला। कोई बात नहीं, बस मांग कर नहीं लेना खींच कर नहीं लेना। तो फाइनली दोस्तों हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। ये ऑरेंज जूस है, ठीक है। अरे माशाल्लाह बड़े बड़े, ये बिस्किट वगैरह है और ये क्या है? अच्छा अच्छा, एक ये तीन चीज मिली है। हम सोच रहे थे खजूर होगी इसमें बट खजूर नहीं है। चलो बट यहाँ का व्यू है बहुत जस्ट अमेजिंग है। ये देखो बाकी इन मिस्त्रियों से बच के रहो, जहाँ भी जाएंगे ना बिल्कुल खींचाताने वाली करते हैं। देखो इधर लाइन खत्म हो गई, अब ये जहाँ अब ये पता क्या करेंगे, जहाँ भी लाइन लगेगी वहाँ पहुँच जाएंगे ये लोग। देखो वहाँ पर इफ्तार बटना आया था लेकिन ये मिस्त्री ना, ये यकीन मानो जहाँ भी मतलब इनका ये मैंने तीन चार दिन के अंदर ये महसूस कर लिया, छीना चपटी करते हैं। देखो यहाँ पर लाइन लगी हुई थी, पूरी लाइन भरी हुई थी, यहाँ पर मिस्त्री लोग थे, लोग सब चले गए, अब लेने फिर दोबारा आ गए हम। ये देखो माशाल्लाह बट यहाँ की रौनक बहुत अच्छी है, टाइम होने वाला है थोड़ी बहुत देर में। देखो ये बच्चे खजूर बांट रहे हैं तो हमने खजूर ले ली, ये हमारे काम की चीज है। देखो पता क्या हुआ, हमने चने मांगे थे और भाई ने देखो क्या दे दिया हमें, ये दही अच्छा दही फल के दे दिए हमें। तो देखो ये बच्चा जो है पानी जो है बांट रहा है, हिम्मत देखो बच्चे के अंदर, देखो ये चीज होती है जज्बा भाई। इस समय जो सुकून है ना यहाँ पर आप देख सकते हो। और उधर जो बैठे हैं ज्यादातर लोग जो यहाँ के जो अरबी लोग हैं ना वो लोग बैठे हुए हैं इधर पर। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई हमारा जो है इफ्तार हो गया माशाल्लाह। और ये जो पल होता है ना भाई बहुत सुकून वाला होता है। अभी लोग कर रहे हैं और अभी जो है हम नमाज पढ़ेंगे तो थोड़ा मैं अंदर से मस्जिद का व्यू भी दिखा दूंगा आपको। तो अभी अंदर चल रहे हैं भाई। आपने कर लिया इफ्तार कर लिया? तो भाई यहाँ का इस समय का व्यू ये है, ये देखो कितना प्यारा व्यू लग रहा है ये देखो। तो इसे मैं पूरी तरह कर देता हूँ। इफ्तार पर ना इतना सामान बढ़ता है, यहाँ पर बहुत सामान बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर पता क्या है, जो ये मिस्त्री लोग हैं ना ये ऐसा झीणा चपटी करते हैं, तीन तीन दिन का बचा लेते हैं, शहरी का ही बचा लेते हैं, बट खाते नहीं फेंक देते हैं। तो इनसे यहाँ के लोग भी परेशान हैं ये। तो चलो अभी हम मस्जिद चल रहे हैं। तो भाई ये मस्जिद का कॉम्प्लेक्स है, देखो कितनी बड़ी मस्जिद है यार, मतलब अनएक्सपेक्टेड यार, देख रहे हो वहां से हमने एंट्री की थी, वही अंडरग्राउंड भी है। तो ये देखो माशाल्लाह ये वे वाकई में यार गजब। चलो मैं जूते उतार देता हूँ इधर। क्या मस्जिद है यार, वाकई में यार बहुत खूबसूरत बहुत प्यारी मस्जिद है यार ये तो माशाल्लाह। ये देखिए भाई अल राजी मस्जिद, ये मक्का की सबसे बड़ी मस्जिद। इस समय 6:46 हो रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ का व्यू मस्जिद का। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखिए बहुत ही प्यारी मस्जिद है भाई। अनएक्सपेक्टेड यार, मेरे दिमाग में अचानक ही आया कि यहाँ मुझे जो है अफ्तारी करनी चाहिए, और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ का। ये देखो माशाल्लाह, देखो यहाँ के जो भी प्रोग्राम है ना वो सब टेलीकास्ट होते हैं, लाइव होते हैं। ये देखो तो भाई माशाल्लाह हमारी जो है नमाज हो गई। बड़ी मस्जिद मुझे बहुत प्यारी लगी। तो भाई यहाँ पर इन लोगों ने अपनी जमात बना ली, बहुत ही प्यारी मस्जिद है भाई, जितनी तारीफ की जाए। अभी हम बाहर चल रहे हैं। तो भाई ये मस्जिद का बाहर का व्यू है, अल राजी मस्जिद। आप भी यहाँ आ सकते हैं अगर आप रमजान में हो तो, बहुत शानदार इफ्तारी होती है भाई यहाँ पर, बहुत ही प्यारी। और यहाँ का जो व्यू है ना बहुत ही प्यारा व्यू होता है।
और इसके बराबर में यहाँ पर ये होटल रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पर, और ये पूरे पार्किंग है जहाँ पर हमारी कार खड़ी है। तो दोस्तों मैं इस ब्लॉग का एंड करता हूँ, आई होप ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। रात काफी हो गई थी तो हम आ गए, बहुत ही अच्छा यूनिक एक्सपीरियंस रहा। और ये जो मैं मस्जिद लेकर गए थे ना अलराजी मस्जिद, ये मक्का की मतलब हरम शरीफ के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है और बहुत प्यारी मस्जिद है। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाओगे ना सर्च करो अरवाज ब्लॉग, वहाँ से जो है आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।